वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। और आज हम रंगनाथन सर की बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे, और जिसमें कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके डिवोशन, उनके लाइब्रेरी साइंस के फील्ड के प्रति जो भी उनका मतलब डिवोशन रहा है, उनके अचीवमेंट्स, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर एक महान गणितज्ञ तो थे ही थे, साथ ही साथ एक महान लाइब्रेरियन, शिक्षाविद और एक महान लेखक भी थे। उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन लाइब्रेरी साइंस को समर्पित कर दिया था, और जीवन पर्यंत वो अपने लाइब्रेरी साइंस के कार्यों में ही लगे रहे। एवं आज हम जो पीजी डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट, पीएचडी, जो भी लाइब्रेरी साइंस में कोर्सेज देख पा रहे हैं आज के समय में, वो सब उन्हीं के प्रयासों से संभव हो पाए हैं। और एक आज के दौर में जो क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशन में, वो उनके ही अथक प्रयासों से संभव हो सके हैं। और आज की मतलब दौर में जो लाइब्रेरी साइंस को एक नोबेल प्रोफेशन कहा जाता है, तो उनका उसका भी श्रेय डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर को ही जाता है। और उनके जीवन का उद्देश्य मतलब लाइब्रेरी साइंसेस की सर्विसेज को बेस्ट से बेस्ट करना था, और जो यूज़र्स थे लाइब्रेरी साइंस में, यूज़र जो भी थे, उनको मतलब बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराना उनके जीवन का उद्देश्य था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में, और सबसे पहले इनके पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि इनका पूरा नाम सियाली रामामृत रंगनाथन था, और ये एक साउथ इंडियन ब्राह्मण थे। एंड इस इनका जो जन्म था तमिलनाडु के उभय वेदांतपुरम के एक सियाली गाँव में हुआ था। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी, रियल डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 9 अगस्त 1892 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी ऑफिशियली डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1892 है, जो कि हम संपूर्ण भारत में आज के दिन लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाते हैं। और इसके पीछे एक लॉजिक है। एक्चुअली जब एडमिशन के लिए गए थे मतलब इनके रंगनाथन के, तो उनके चाचा जी गए हुए थे, तो इस वजह से गलती से इनकी 12 अगस्त डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर मेंशन हो गई थी। इस वजह से 12 अगस्त को ही इनकी डेट ऑफ बर्थ मानते हुए मतलब पूरे भारतवर्ष में नेशनल लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इनके पिता का नाम रामामृत अय्यर था, एवं इनकी माता जी का नाम श्रीमती सीता लक्ष्मी था। और इनकी इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में श्रीमती रुक्मणी देवी से हुआ था, और जो कि उस समय 11 वर्ष की थी। और इनकी एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु के उपरांत इनका विवाह श्रीमती शारदा रंगनाथन जी से हुआ था। और इनके एक पुत्र का नाम श्री रंगा योगेश्वर है, जो कि अभी एक इंजीनियर है लग्जमबर्ग में। तो ये इनके पर्सनल लाइफ के बारे में था। और अब हम बात कर लेते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में। तो इनकी प्राइमरी एजुकेशन बेसिकली जब ये 6 वर्ष के थे, तो उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, तो ये अपने ननिहाल सियाली में आ गए थे, और वहाँ से ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। और वहीं से ही उन्हें हिंदू कॉलेज, एसएम हिंदू कॉलेज से, हिंदू स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, और साथ ही साथ बीए और एमए क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से ग्रेजुएशन और मास्टर्स वहाँ से कंप्लीट किया। इसके बाद उन्होंने लाइसेंसिएट इन टीचिंग, एक प्रकार का टीचिंग प्रोग्राम होता है, उसकी भी शिक्षा मद्रास कॉलेज से प्राप्त की। और जैसा कि ये हमारे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक महान गणितज्ञ तो थे ही थे, और साथ ही साथ एक लाइब्रेरियन भी, मतलब लाइब्रेरी एज ए लाइब्रेरियन फील्ड में भी बहुत बड़ा योगदान रहा इनका। तो इनके 2 गुरु भी थे इसी तरह से। तो एक मतलब मैथमेटिक्स के गुरु की बात करें तो एडवर्ड बी रॉस, प्रोफेसर एडवर्ड बी रॉस इनके मैथमेटिक्स के गुरु थे, और सर चार्ल्स विलियम चार्ल्स बर्बिकशियर्स ये इनके लाइब्रेरी साइंस के गुरु माने जाते हैं। और इनसे उनकी मुलाकात इंग्लैंड के दौरे के दौरान हुई थी, जब वो इंग्लैंड में लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा लेने के लिए गए थे। तो ये इनकी एजुकेशन के बारे में था। उनके करियर के बारे में डिस्कस करते हैं कि उनकी जर्नी कैसे प्रारंभ हुई उनकी करियर की। तो
सबसे पहले उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर एंड कोयम्बटूर जो कि मद्रास में ही स्थित थे, असिस्टेंट लेक्चर के रूप में उन्होंने फिजिक्स और गणित के विषयों को वहाँ पढ़ाया। और इसके बाद 1921 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैथमेटिक्स विषय को पढ़ाया। और उनको अपने गणित के विषय से बहुत ज़्यादा प्रेम था, और इस दौरान ही उन्होंने बहुत सारे मतलब मैथमेटिक्स के इतिहास के ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश कराए थे। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो लाइब्रेरी साइंस में इनका पदार्पण कैसे हुआ, तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लाइब्रेरी साइंस वो कब प्रारंभ हुआ, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 जनवरी 1924 को हम कह सकते हैं कि मतलब एक अपॉइंटमेंट निकला था लाइब्रेरियन के पद पर। और उस समय मतलब बात की जाए कि एक बहुत अच्छा अवसर एक तरह से इनके लिए था, और काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि आपको इस पद के लिए आवेदन करना चाहिए। और 900 अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्टेप इन्होंने 4 जनवरी 1924 में एज अ फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी में ये अपॉइंट हुए। और यहीं से इनकी लाइब्रेरी साइंस की जर्नी प्रारंभ होती है। लेकिन स्टार्टिंग में जो लाइब्रेरी साइंस का प्रोफेशन था बहुत ही दयनीय कंडीशन में था। इट मीन्स कि वहाँ पर जो मतलब लाइब्रेरियन की जो पोस्ट हुआ करती थी वहाँ एक लाइक स्टोर कीपर और बुक के केयर टेकर के रूप की तरह होती थी, क्योंकि उस समय ओपन एक्सेस सिस्टम नहीं थे, क्लोज एक्सेस सिस्टम थे, तो बुक की टेक केयर ही एक तरह से लाइब्रेरियन का काम हुआ करता था। तो उन्हें एज अ गणितज्ञ वो पहले मतलब उनका प्रोफेशन था, फिर लाइब्रेरियन में एक इस तरह का काम जब उन्हें दिया गया तो उन्हें रास नहीं आया, तो वो बहुत मतलब दुखी होकर इस पोजीशन को त्यागना चाहते थे। इस वजह से उसे उन्होंने रिज़ाइन करने का मन बना लिया। और इस विषय में वो बात करने के लिए मद्रास के ही जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उनसे मिलने के लिए गए, जिनका नाम प्रोफेसर डंकन था। और उन्होंने अपनी बात को रखा तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में नॉलेज गेन करने के लिए आप इंग्लैंड जा सकते हैं, देन अगर आप उसके बाद आपको पसंद ना आया तो फिर अपनी स्वीकृति से अपने जो प्रीवियस जो प्रोफेशन है उसमें आप लौट सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब इंग्लैंड ये गए सितंबर 1924 में, तभी से एक मतलब एक शुरुआत हुई लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में इनके पदार्पण की। तो सितंबर 1924 में ये मतलब इंग्लैंड गए और वहाँ पर विलियम चार्ल्स वर्विक शेयर से उनकी मुलाकात हुई, और उस समय वो क्रिस्टीन पब्लिक लाइब्रेरी के चीफ लाइब्रेरियन थे। तो लगभग 9 महीने वो वहाँ पर रहे। उनके संरक्षण में प्रोफेसर विलियम चार्ल्स वर्विक शेयर के संरक्षण में उन्होंने लाइब्रेरी साइंस की बारीकियों को सीखा, बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल हो गया, कैटलॉगिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, या जो भी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइब्रेरी साइंस में यूज़र्स को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, उन सब बारीकियों को सीख के वो मतलब वापस लौटे जुलाई 1925 में। और अपने जो भी मतलब जो भी उन्होंने सीखा है, और इस दौरान लगभग 9 महीने के दौरान उन्होंने 100 लाइब्रेरियों का विजिट भी किया, और उनकी जो भी बेस्ट सर्विसेज हैं या मतलब जो यूजर्स को प्रोवाइड कराई जाती हैं उनको उनकी बारीकियों को सीख के वो इंडिया वापस आए। और पूरे जोश के साथ उस पूरे कंट्रीब्यूशन जो भी उन्होंने सीखा उस दौरान इंग्लैंड के दौरे के दौरान वो सारा इसमें इंडियन लाइब्रेरीज में कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो आइए हम बात करते हैं उनकी इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, लाइब्रेरी साइंस के फील्ड के प्रति कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने ओपन एक्सेस सिस्टम को लेके आए भारत में, जिसे हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन था, जिसमें कि पहले हमारा जो सिस्टम था वो क्लोज एक्सेस था, यानी कि बुक्स को चेन में बांध कर रखा जाता था। लेकिन आज के डेट में हम ओपन एक्सेस जो सिस्टम देख पा रहे हैं वो रंगनाथन सर की वजह से ही है। साथ ही साथ लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इट मीन्स कि जो काफ़ी मतलब देर तक हम लाइब्रेरीज को ओपन रखने का जो प्रावधान है उनकी बदौलत ही ये पॉसिबल हो पाया। और आज के दौर में हम देख पा रहे हैं कि लाइब्रेरीज सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक भी ओपन रखी जाती हैं, जिससे कि आम जनता जो वर्किंग मतलब ग्रुप है वो भी उसकी सर्विसेज का लाभ ले सके। और
मतलब हॉलीडेज में भी लाइब्रेरीज ओपन होती है, केवल 3 हॉलीडेज होते हैं जिसमें कि लाइब्रेरीज बंद रखी जाती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को, और बाकी सभी दिन लाइब्रेरीज को खुला रखते हैं। साथ ही साथ रंगनाथ सर ने होम डिलीवरीज ऑफ बुक्स फॉर अ स्मॉल स्मॉल फी, यानी कि एक मतलब बहुत कम मतलब फी में होम डिलीवरी बुक सर्विस भी प्रोवाइड कराई, जिससे कि यूजर्स बहुत कम फी पेमेंट करके वो अपने घर पर बुक्स को मंगा सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट टू रिसर्च स्कॉलर, एक तरह का पास सिस्टम होता है जिसमें कि मतलब जो यूजर्स होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ यूजर जैसे कि एक्सपर्ट हो गए, रिसर्च स्कॉलर्स, उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। और जो आजकल हम एसटीआई देख रहे हैं वो इसका ही मतलब अपडेटेड वर्जन हम कह सकते हैं, और जिसे कि मतलब बाद में एचपी लुहान सर ने डिवाइस किया था। तो इसमें बेसिकली जो उनकी प्रोफाइल्स होती हैं एक्सपर्ट या रिसर्च स्कॉलर की, उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, और जो हमारे पास नया डेटा कलेक्शन आता है उसको हम मैच कराते हैं, और अगर उनके प्रेफरेंस से वो मैच करती है तो हम उन्हें मतलब इन्फॉर्म करते हैं और वो एक्सेस कर सकते हैं बाय सेल्फ लाइब्रेरीज में आके, या फिर उन्हें उनकी रिक्वेस्ट पे उन तक पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ लाइब्रेरीज की सेवाओं को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने मतलब न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, मैगजीन्स में भी कॉलम्स दिए, जिसे हम न्यू अराइवल्स के नाम से भी जानते हैं, और जिनके माध्यम से जो भी बुक्स लाइब्रेरीज में आया करती थी तो पब्लिक तक पहुंचाने के लिए एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल हुआ करता था और न्यू अराइवल के नाम से, और उसके माध्यम से जो जनता, आम जनता है, उसे भी मालूम चलता था कि हाँ लाइब्रेरीज में कौन कौन से नए कलेक्शन आए, और उनके माध्यम से वो लाइब्रेरीज में उन्हें एक्सेस कर सके। साथ ही साथ मोबाइल लाइब्रेरी और लाइब्रेरी ऑन व्हील, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं कि मोबाइल लाइब्रेरी और लाइब्रेरी ऑन व्हील टर्म किसने दिया था। तो ये सर्विस भी रंगनाथन सर द्वारा ही प्रोवाइड की जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विस है। इसमें लाइब्रेरी का ही एक प्रतिरूप मतलब बैलगाड़ी पर या किसी भी वाहन पर, मतलब कुछ लाइब्रेरीज का प्रतियोग मतलब कुछ लाइब्रेरीज की बुक्स जो इम्पोर्टेंट होती हैं उन्हें रख कर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जाता है जहां तक लाइब्रेरीज की व्यवस्था नहीं होती है, और उनमें ज़्यादातर जो किताबें होती हैं कृषि, शिक्षा, आयुर्वेद या फिर मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं वो सारी दी होती हैं, जो उनके मानसिक, शारीरिक और उनके जो मतलब फाइनेंशियल को भी सपोर्ट करती हैं कि कैसे वो अपने छोटे छोटे उद्योग करके भी अपना पालन कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे ही किताबें होती ताकि वो अपना संपूर्ण विकास कर सके। और इसकी सबसे पहले शुरुआत जो की गई थी वो 21 अक्टूबर 1931 में की गई थी, और तमिलनाडु के तंजौर के मनारगुड़ी तालुका में सबसे पहले इसकी बैलगाड़ी के ऊपर इसको ले जाया गया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं कि ये जो शुरुआत की गई थी कब की गई थी और किस पर की गई थी। तो बैलगाड़ी पे की गई थी और तंजौर के तमिलनाडु के मनारगुड़ी तालुका में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ इन्होंने क्लासिफिकेशन, कूलन क्लासिफिकेशन को भी डिज़ाइन किया, जिसमें कि जो कि मेलविल डेवी सर के द्वारा डिवाइस की गई डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का ही प्रतिरूप है, और जो कि 3 वॉल्यूम में और एट प्रेजेंट अभी 4 वॉल्यूम में अवेलेबल है। और वहीं पे कूलर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 3 सिंगल वॉल्यूम में अवेलेबल है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्लास नंबर लोग इंडियन क्लासिफिकेशन स्कीम है, और इसमें हम क्लास नंबर को बनाते हैं और जिसकी मदद से हम बुक्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और यूजर्स को बहुत ही शॉर्ट टाइम में प्रोवाइड करा सकते हैं, और इसमें 5 फंडामेंटल कैटेगरीज की मदद से ही हम क्लास नंबर को बनाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की भी रचना की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, और इसका ही प्रतिरूप AACR2 भी है। और ए मतलब इन्होंने बेसिकली जितने भी मतलब महत्वपूर्ण ग्रंथ थे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में, उनका ही मतलब एक प्रतिरूप बनाया इंडियन पर्सपेक्टिव में, जो कि आसानी से मतलब फिट बैठ सके जो इंडियन लाइब्रेरीज में, और साथ ही साथ अपने जो भी उनके गणित का ज्ञान था उसको भी, उसके मदद से भी उसने इजी और लॉजिक बेस्ड ये सारे
ग्रंथ बनाए। कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे कि जब इंग्लैंड गए थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, बुक्स रिटर्न प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग, तो उन्हीं के आधार पर उन्होंने इंडियन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही कोलन क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग, इन सब चीज़ों की रचना की और ये इंडियन लाइब्रेरी के को ध्यान में रखते ही हुए ही बनाई गई हैं। और साथ ही साथ फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसे हम एक तरह से हाई कोर्ट की संज्ञा देते हैं, तो इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को भी हमारी लाइब्रेरी साइंस में प्रोवाइड कराया। साथ ही साथ रंगनाथन सर ने लिब्रामेटिव वर्ड, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था कि लिब्रामेटिव वर्ड किसने दिया है, इन्फॉर्मेटिव हो गया, लिब्रामेट्री हो गया, साइनोमेट्री हो गया, तो ये सारे टर्म्स होते हैं जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस ज़रूर ध्यान रखिएगा इस टर्म को आप। लिब्रामेटिव वर्ड रंगनाथन सर ने दिया है और इसका मतलब स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू द स्टडी लाइब्रेरी एंड इट्स सर्विसेज होता है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो ज़रूर याद रख लीजिएगा। और साथ ही साथ ही इस्टेब्लिश्ड द स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप इन 1929, इन्होंने स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की स्थापना 1929 में की। और साथ ही साथ स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी में स्थित है 1931 में मतलब ये स्टार्ट हुआ, और यहीं से मतलब यहीं पर सबसे पहले सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में कोर्सेज स्टार्ट किए गए। साथ ही साथ इन्होंने मॉडल पब्लिक मतलब मॉडल यूनियन पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को भी ड्राफ्ट किया, और जिसकी बदौलत हम देख सकते हैं कि जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, इसी की बदौलत आया और अभी एट प्रेजेंट 19 पब्लिक लाइब्रेरीज हम इंडिया में देख पा रहे हैं, और भविष्य में और भी मतलब धीरे धीरे पब्लिक लाइब्रेरीज ओपन हो रहे हैं। तो ये बेसिकली कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में था, और अगर हम एक लेक्चर में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को समाहित करना चाहें तो बहुत एक इम्पॉसिबल ही बात होगी। और इसी के साथ ही मतलब इसी जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं बायोग्राफी की, इसी के अगले अंक में हम इनके जो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनके ऑलरेडी वर्क हैं या जो भी इनके अचीवमेंट्स हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्होंने न केवल भारतवर्ष में साथ ही साथ संपूर्ण विश्व में लाइब्रेरी साइंस के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो अगले अंक में मिलते हैं जल्द ही इनके बचे हुए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, अचीवमेंट एंड ऑनरेरियम वर्क के बारे में। थैंक यू सो मच।